बिलियन के साथ भाई 200 सीसी बाइक ने 40 की माइलेज सिटीज में दे दिया। हाँ, 200 सीसी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? सो हे गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। स्वागत है आप सभी का एक और नई फ्रेश वीडियो में। जैसा कि भाई टाइटल और थंबनेल को देख के समझ गए होंगे कि वीडियो होने वाली है किस टॉपिक पर। सामने भाई हमारे खड़ी है NS200, जो कि भाई तौफिक भाई की यानी कि मिक्की राइडर। पहले भी आपने इनकी बाइक के साथ मेरी बाइक का कंपैरिजन देखा होगा, अगर नहीं देखी तो भाई वो वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में आपको दिख रही होगी, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो। तो आज एक बार फिर से हम करने वाले हैं भाई एक जेन्युइन ओनरशिप रिव्यू ऑफ NS200। यानी कि हमारे पास है भाई NS200 2023 मॉडल, और ये है भाई तौफिक भाई की, जिनका चैनल है भाई मिक्की राइडर के नाम से, भाई का चैनल है। भाई के चैनल को जाके चेकआउट करो, अगर नहीं मिलेगा लिंक तो भाई डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लेना, वहाँ से भी आपको जा सकते हो। डिटेल वीडियो जानने के लिए भाई भाई के चैनल पे मिल सकती हैं। हम आज करेंगे भाई तौफिक भाई का एक जेन्युइन ओनरशिप, बताएंगे कि NS200 में उन्हें अभी तक क्या क्या बेहतरीन चीज़ें देखने को मिली हैं, क्या क्या उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, और क्या उन्हें प्रॉब्लम्स आई हैं अभी तक, और क्या उनको मेजर इशू आया है। तो बुलाते हैं भाई तौफिक भाई को। सो मिक्की भाई, हम तो मिक्की भाई बोलेंगे, वेलकम टू अवर चैनल एक बार फिर से। तो भाई भाई का स्वागत करते हैं, और भाई से कुछ कठिन से सवाल नहीं पूछेंगे आज, सिर्फ नॉर्मल सवाल पूछने वाले हैं कि भाई का क्या एक्सपीरियंस रहा इस बाइक से, और आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, वो भी रिकमेंडेशन आज जान लेते हैं। हाँ। तो भाई सबसे पहला सवाल करते हैं कि भाई NS200, इसके आसपास कोई और दूसरी बाइक आपने देखी थी? इसके पास मैंने देखी थी N250 थी, जो 250 आ रही थी उस समय। हाँ, हायर सीसी इंजन था, इससे कम प्राइस में भी आता था, ठीक है। N250 ड्यूक भी था मेरे, और MT15 तो था ही यार उस समय, बहुत पॉपुलर था। हाँ। बट क्या ना था कि NS में जो रॉ पावर वो N250 में भी नहीं मिलेगा आपको। हाँ यार, वो 2-valve इंजन के साथ आता है। NS तो NS है यार, NS की तो मार्केट अलग ही है। हाँ, तो हाँ, ये मेरे रीजन में ये था कि वो 2-valve इंजन के साथ आता है N250, और ये आता है 4-valve इंजन के साथ। हाँ। जो इसकी इग्निशन है, हायर स्पीड है भाई, वो अचीव कर लेती है 160 तक। अच्छा, 160 तक, जो कि N250 नहीं कर पाता, 140 तक ही जाती है। तो मतलब मेजर रीजन यही था कि 4-valve और 2-valve का था, तो भाई को लगा कि भाई 2-valve 4-valve का थोड़ा सा डिफरेंस है, तो हाँ। भाई ने NS200 लिया है। हाँ। तो भाई सीधा सीधा बात करते हैं, अभी तक पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रखेंगे, कि भाई इसमें माइलेज आपको अभी तक क्या मिल रहा है सिटीज एंड हाईवेज, अगर आप एक ओवरऑल लमसम आइडिया बताओगे सिटी एंड हाईवेज का। मैं माइलेज का बता दूँ, जब मैंने इससे माइलेज टेस्ट करा था पहली बार नॉर्मल आरपीएम पे, 40 की माइलेज निकाली थी उस समय, 42 NS200। हाँ, विद पिलियंस मेरे पीछे बैठा था। ओ भाई, पिलियन के साथ भाई 200 सीसी बाइक ने 40 की माइलेज सिटीज में दे दिया। हाँ, वो वीडियोस मेरे चैनल पे पड़े होंगे, 40 की माइलेज दी थी। और मैंने जब सेकंड टाइम टेस्ट करा विद, मतलब उस पे मेरी स्पीड थी 120-140 तक। अच्छा, हायर आरपीएम, हायर आरपीएम एंड हायर स्पीड। हायर, तो उस समय मुझे मिली थी 36 अराउंड, 36, मतलब बस 4 किलोमीटर पर आवर का डिफरेंस। हाँ, यानी 4, एक बार और किया था मैंने हायर स्पीड एंड पिलियंस के साथ। अच्छा, उस समय मुझे अराउंड 30 की मिली थी। अच्छा, मतलब उस टाइम थोड़ा सा कम। हाँ, हो गया विद पिलियन, थोड़ा सा। हाँ, कम लगा वो भी हाई आरपीएम। अच्छा, फिर तो भाई फर्क पड़ता ही है, 90 केजी का पिलियन नहीं होता वैसे। तो भाई अगर सर्विस कॉस्ट की बात करूं बजाज के साथ, मैं भी बजाज की बाइक ऑन करता हूं। हाँ। तो आई थिंक मुझे भी आइडिया है, और आप बाकी आप पब्लिक को बता सकते हो कि सर्विस कॉस्ट में क्या कुछ इसमें ज़्यादा लगा, कोई ऐसा खर्चा कि यहाँ सर्विस कॉस्ट में आपको लगता है कि यार कोई और बाइक लेता तो शायद थोड़ी सर्विस कॉस्ट कम आ जाती। हाँ, वो तो आपकी बात सही है, लेकिन मैं बता दूँ, जो फर्स्ट सर्विस मैंने कराई थी वो लमसम 800, और जो सेकेंड सर्विस है वो भी 850 रुपीस की हुई थी, और थर्ड अभी बाकी है इसकी। अच्छा, थर्ड अभी बाकी है, तो भाई की भाई अभी तीसरी सर्विस बाकी है, और 1000 से कम में इसका सर्विस मेंटेनेंस। हाँ, है तो आप भाई मान सकते हो, मतलब 200 सीसी का 1000 से कम में मेंटेनेंस आ जाए ना, तो मतलब आप सोच लो कि कितना पॉकेट फ्रेंडली हो सकता है, आपके जेब पे लोड नहीं आने वाला ज़्यादा। बहुत पॉकेट फ्रेंडली है भाई, अभी तक कोई खर्चे नहीं करे एक्सटर्नल। तो भाई अगर प्रॉब्लम्स की बात करूं, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आई है NS200 में जिसको देख के आपको लगता हो कि यार अब इसको नहीं लेना चाहिए था मुझे, कभी ऐसा हुआ फील? ऐसा भी कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई मुझे, अभी 8-9 महीने से ऑन कर रहा हूँ, 6000 किलोमीटर मैंने चलाई है, मेरा ज़्यादा यूज़ नहीं था, मैं वीडियो से पर्पस की यूज़ करता हूँ, और कहीं ट्रिप वगैरह लग जाए तो वो, ऑफिस तो मेरे बगल में ही है, घर के। अच्छा, बगल अच्छा। में, तो ऑफिस ये घर पे ही खड़ी रहती है। मतलब कोई ऐसा मेजर इशू आपको नहीं दिखाया जो कि आपको सर्विस में आपने चेक कराया हो, या कोई ऐसा इशू? ऐसा कोई अभी तक मेजर इशू आया ही नहीं। तो भाई को भाई अभी तक कोई मेजर इशू आया नहीं है 6000 किलोमीटर चलने के बाद भी, और ऑलमोस्ट 8-9 महीने हो गए हैं, भाई का यूसेज ज़्यादा नहीं है, बट प्रॉब्लम भी नहीं आई है, क्योंकि अगर प्रॉब्लम होती है ना तो बाइकों में भाई प्रॉब्लम आती ही है, आती है, चाहे वो चले या ना चले। हाँ, ये तो है।
तो भाई एक और सवाल जो कि सभी के दिमाग में रहता है कि हाँ कंफर्ट कैसा है बाइक का, कि कंफर्ट, हाँ पिलियन कंफर्ट, राइडिंग कंफर्ट, लॉन्ग राइड, नाइट राइड। तो भाई से कुछ छोटे मोटे ओवरऑल एक्सपीरियंस पूछ लेते हैं कि कैसा कंफर्ट है बाइक का। तो भाई आप बता दो पब्लिक को कि कैसा कंफर्ट है इस बाइक को लेके आपका। बाइक को लेकर बहुत बढ़िया मुझे कंफर्ट है, क्योंकि देखो इसका सीट जो मिलता है ना राइडर्स के लिए काफ़ी अच्छा। एंड मैंने पिलियंस के साथ, मैं एक बार आगरा गया था, बताता वो अच्छा इंसिडेंट, आधा दूर मैंने पिलियंस बना, आधा दूर राइडर बना था। तो एज ए पिलियन मैं कहूँगा थोड़ा सा स्टिफर मुझे फील हुआ एज ए अच्छा पिलियन। पिलियन। मैं ज़्यादा कंफर्टेबल था राइड करने में, अच्छा हाँ, क्योंकि राइडर सीट बहुत कंफर्टेबल है, पिलियन सीट भी कंफर्टेबल है एज अगर आप नॉर्मल राइडर विद इन 60 किलोमीटर में करते हो तो। बट जहाँ बात ये थी लॉन्ग राइड की, तो हाँ मुझे लगता है थोड़ा सा स्टिफर है पिलियन स्टिफ। सीट। हाँ तो मतलब भाई का कहना है कि भाई राइडर के हिसाब से तो अगर आप सोलो राइड करना चाहते हो एनएस के साथ, तो भाई आप बेझिझक होकर एनएस के साथ जा सकते हो। बेस्ट है। तो भाई लास्ट एक क्वेश्चन करना चाहते हैं कि 2024 में जैसे अभी अपग्रेडेड हो चुकी है, ब्लूटूथ एनेबल्ड आ गया है और एलईडी सेटअप के साथ आ गई है, तो हाँ अगर रिकमेंडेशन करोगे कि हाँ कितने परसेंट आप कहना चाहोगे कि हाँ भाई NS 200 की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि N 250 भी अभी लॉन्च हो चुकी है, लॉन्च हो चुकी तो है, 250 और 200 में काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन रहेगा, तो आप क्या प्रेफर करोगे कि अगर 200 CC लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। अब देखिए जिसको हायर परफॉर्मेंस, हायर आरपीएम पे खेलना चाहता है, यानी पावर के साथ खेलना चाहता है, वो डेफिनेटली एनएस के साथ जाए। जो हायर इंजन ढूंढ रहा है, बड़ा इंजन हो, लॉन्ग टूरिंग करना चाहता है, डेली अप डाउन उसका हो, और एक हाई मतलब बढ़िया परफॉर्मेंस वाला इंजन चाहिए, तो डेफिनेटली 150 की तरफ जा सकते हैं। क्योंकि जो पावर NS 200 दे सकते हैं ना, 250 नहीं दे सकते हैं, 250 ढाई नहीं सौ दे सकती, बट क्योंकि उसमें पावर भी के अभी मामले भी में टू मतलब। वॉल्व इंजन आ रहा है और 5 गियर आते हैं। अच्छा, हाँ, उसमें भी 5 गियर है अभी, तो बट मतलब इसमें 6 गियर है। तो तो मतलब अगर किसी को पावर परफॉर्मेंस चाहिए, किसी को बहुत ही ज़्यादा पावर से प्यार है, तो वो भाई NS 200 की तरफ जा सकते 2024 में हैं। हाँ आराम से जा सकता है। बिल्कुल, तो थैंक यू तौफिक भाई, आपने हमारे जनता को एक अच्छा सा एक ओपिनियन दिया, आपने एक्सपीरियंस शेयर किए और हमारे चैनल को थोड़ा सा टाइम दिया, शाम हो चुकी है हाँ ऑलमोस्ट, ऑलरेडी शाम हो चुकी तो है। बहुत बहुत थैंक यू आपको आपको चैनल ठीक है, पे आने थैंक के यू, लिए। और जल्दी मिलेंगे यार, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना इनसे, और भी कुछ छूटा हो तो जल्दी जल्दी आएंगे हम। सो भाई अंधेरा हो चुका है, मैं चाहता हूँ बिल्कुल अंधेरा होने से पहले इस वीडियो को कर देता हूँ समाप्त, और कोई कंसर्न कोई क्वेरी है तो भाई आप मेरे को कमेंट कर सकते हो और मिक्की भाई के चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लो, उनके चैनल पे NS 200 से रिलेटेड आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, और अगर कोई क्वेरी कंसर्न है तो भाई कमेंट करो इस वीडियो पे। बाकी आपको पता है वीडियो को तो करना है लाइक और चैनल को कर देना है सब्सक्राइब फॉर ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय।